जनाब ARYQ TV की ये स्पेशल रूहानी ट्रांसमिशन माहे रमज़ान और ख़वातीन के सरनामे के साथ जिसका आगाज़ होता है और इस ट्रांसमिशन का सरनामा है नेमत इफ्तार। और जनाब हम हर प्रोग्राम में और हर नशिस्त में एक टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं, जैसे कि आप सब जानते ही हैं। कोशिश ये होती है कि हर लेवल पे, हर सतह पे ख़वातीन की जानिब एक मैसेज को पहुंचाया जाए और सीखने और समझने के दरीचे हम सब के लिए वा किए जाएं। जनाब आज हम किस मौजू के साथ हाजिर हुए हैं यहाँ पे? तो क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल खल्क़ु कुल्लुहुम अयालुल्लाह, के तमाम मखलूक अल्लाह तबारक व तआला का कुंबा है। तो जनाब अल्लाह की मखलूक यानी जो खल्क है वो खालिक की है और उसकी मदद करना भी इबादत है। तो लोगों के काम आना, लोगों की मदद करना और अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए कोशिश ये करना कि अपना कल्ब, यानी हम इस दुआ के साथ भी आज हाजिर हुए हैं कि मौला तो हम सब के कुलूब को अपनी मखलूक के लिए कुशादा फरमा दे। ये तंग नज़री का जो आज रवैया है और हम सब ये सोच रहे होते हैं कि हमारा भला हो जाए, नहीं, दीन इस्लाम तो इस अप्रोच को सपोर्ट नहीं करता। यहाँ तो ऐसा मामला है जनाब
कि आप लोगों के काम आए और लोगों के लिए जितना भी आपसे हो सके, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान कि खैरुन नास, तुम में बेहतरीन वो है, अनफहुम लिन्नास, के जो जनाब लोगों के हक़ में नाफे हैं। तो आज हम इसी हवाले से बात कर रहे हैं, खिदमत खल्क और उसकी अहमियत जो है वो आज हमारा उन्वान और मौजू है। हमारे साथ आपकी पसंदीदा स्कॉलर्स मौजूद हैं जो मेरी आपकी हम सब की रहनुमाई फरमाने के लिए मौजूद हैं। माशाअल्लाह मेरी पहली मेहमान स्कॉलर बसीरत अफरोज़ और इल्मी और फ़िक्री गुफ्तगु फरमाती हैं डॉक्टर इम्तियाज़ जावेद खाकुबी साहिबा को सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आपा? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। जनाब हमारी जो दूसरी मेहमान स्कॉलर हैं, आपका भी जुदागाना अंदाज़े तकल्लुम है और मैं समझती हूँ कि इनका जो शाइस्ता और ख़ूबसूरत लबो लहजा है वो हमें इनका मद्दा भी बनाता है और हम चाहते हैं कि हम ये बोलती रहें और हम इन्हें सुनते रहें। माशाअल्लाह हमारे साथ डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा भी तशरीफ़ रखती हैं, सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप? जी मेरे अल्लाह का एहसान माशाअल्लाह। और हम सलाम अर्ज़ करते हैं और वेलकम करते हैं सूबिया अंसारी को। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसी हैं आप? सोबिया माशाअल्लाह थोड़ा सा इनको यहाँ आने में कुछ प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से वो नज़र भी आ रहा है थोड़ा सा जी, वो सांस आपकी साथ नहीं दे रही थी। नाज़िन को इसलिए बता दूं कि ये बहुत अच्छा पढ़ने वाली हैं और इंशाअल्लाह हम आपसे एक और कलाम भी सुनेंगे क्योंकि लोगों के काम आना जिस तरह से भी हो सके, हम इसी हवाले से आज बात भी कर रहे हैं ना। तो अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे और सेहतयाबी के साथ रखे। हम आपके समत आएँगे आपा और खिदमत खल्क, लोगों की फरियाद रसी करना और लोगों के काम आना, ये इसकी क्या फजीलत और अहमियत है? शुक्रिया निदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, लैसल बिर्र अन तवल्लू वजूहकुम क़िबल अल मशरिक़ वल मग़रिब, कि नेकी ये नहीं कि तुम अपना चेहरा दाएँ या बाएँ मशरिक़ और मग़रिब की तरफ करो, बल्कि नेकी की फिर आगे तशरीह क्या फरमाई कि ईमान लाओ, ईमान में कामिल हो जाओ और फिर खर्च करो अपने माल को रिश्तेदारों पे और सब मसाकीन पे, और उसकी पूरा वो आया। फिर साथ माशर्ती आदाब आए कि वादों को पूरा करना। जैसे कि आपने भी कहा, देखें ये एक इतनी बड़ी इबादत है कि एक तरफ इस इबादत के ज़रिए बंदा मखलूक के काम आ रहा है और दूसरी तरफ उस खालिक से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है, तो ये दोनों चीज़ें यकसां हो जाती हैं उस जगह पे। मखलूक से आपको इज़्ज़त और मोहब्बत मिल रही होती है और वो खालिक वो भी आपको अपने महबूब बंदों में शामिल कर लेता है। जो हदीस मुबारक भी आपने पढ़ी कि अलखल्कु अयालुल्ला, कि मखलूक अल्लाह का कुंबा है, और फरमाया अकलेसातुसलाम ने कि जो मखलूक के साथ अच्छा है अल्लाह उसे अब महबूब रखता है। तो ये अल्लाह के महबूब बंदों में शामिल होना कोई मामूली बात नहीं है। देखिए इंसान दोस्ती, रंग, नस्ल, जबान, उनसे बालातर होकर एक एहसास रहना इंसान के अंदर, ये जिंदा कौमों की अलामत है, हयात की अलामत है कि वो अफराद वो अकवाम जिंदा हैं जिनके अंदर ये एहसास है इंसान दोस्ती का, और ऐसी अकवाम और ऐसे ही अफराद क्यादत के अहल होते हैं। और आप देखिए तो इसकी जिद क्या है, इसके अपोजिट क्या है? मफाद परस्ती है, खुदगर्जी है, फिर बेरहमी है, नाइंसाफ़ी है, जुल्म है, इस्तेहसाल है। और अगर मुआशरे में ये बढ़ता चला जाए तो आप गौर करेंगे तो अमन और सुकून तबाह हो जाता है, इंतशार बपा हो जाता है। और अगर खिदमत खल्क कर रहे हैं आप, इंसान दोस्त हैं, आपसे नफ़ा बख्शी जा रही है मुआशरे में, तो क्या होगा? मुआशरे में अमन, सुकून, मोहब्बत, अकूवत, प्यार, एक तरह से एक दूसरे के लिए मददगार होंगे सारे के सारे। और आप गौर करें तो अल्लाह ने ये कायनात बनाई है तो सारी कायनात खिदमत में लगी हुई है। सूरज आपको रोशनी देता है, आपको हरारत देता है, तो ये नहीं देखता कि सामने कौन है। दरिया से जानवर तक पानी पी रहे होते हैं, हर एक को पानी पिला रहा है। जमीन हर एक के लिए बिछौना बनी हुई है, चांद हर एक के लिए चांदनी बिखेर रहा है। बारिश होती है तो झोंपड़ी पर भी पड़ती है, मालात पर भी पड़ती है। तो कायनात का पूरा निज़ाम एक सबक दे रहा है कि तुम्हारी सिर्फ इनफरादी ही नहीं कुछ इज्तमाही जिम्मेदारियाँ भी हैं, और उलमा ने इसे फर्ज़ किफ़ाया करार दिया कि हर मुआशरे में ऐसे अफराद होने चाहिए कि जो इंसानों के काम आ रहे हों, जो एहसास रखते हों, जो एक दूसरे का हाथ थामने वाले हों, जो रास्ते से तकलीफ दे चीज़ों को दूर करने वाले हों। एक फ़र्द ने एक टहनी हटा दी कि वहाँ टहनी पर खून लगे हुए थे और जानवरों के निशान पड़े हुए थे कि वो जानवर आते हैं उन्हें तकलीफ होती है, तो अल्लाह ने उसे बख्श दिया। क्या बात है आपा।
आपा ही के मैसेज को आप आगे बढ़ाइए कि ये माहे रहमत है, माहे मुवासात है, लोगों के काम आना, लोगों की इमदाद करना, आप इस हवाले से कैसे रहनुमाई फरमाएंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए डॉक्टर साहिबा, दरिया अपना पानी खुद नहीं पीता, दरख्त अपने फल खुद नहीं खाते, और खुशबू फूल अपनी खुशबू खुद नहीं सूंघते। दूसरों के काम आना और दूसरों की मदद करना ही असल इबादत है। जो दिल दूसरों की तकलीफ देखकर परेशान हो जाए तो जान लो कि दिल में अल्लाह रहता है। मगर अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा शख्स वो है जिसका वजूद दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो। खिदमत खल्क से मुराद अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना बग़ैर किसी लालच या मुआवजे के, बीमारों को इलाज मालजे की सहूलत फराहम करना, गरीबों नादारों की मदद करना, ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरत के वक्त काम आना, यतीमों के सर पर दस्ते शफ़क़त रखना, बेरहम जानवरों पर भी रहम करना, इसलिए कि बग़ैर लफ्ज़ों के दुआ देते हैं, मकरूज को कर्ज़ की अदायगी में सहूलत देना, किसी के घर राशन डलवा देना, किसी के तालीमी अखराजात पूरे कर देना। और देखिए दीन इस्लाम में जितना खिदमत खल्क पर जोर दिया गया है शायद ही किसी इज्तिमाई काम पर जोर दिया गया हो। दीन इस्लाम में खिदमत खल्क करने को इबादत का दर्जा दिया गया है, दूसरों के काम आने को, दूसरों की मदद करने को। और देखिए निदा माहे रहमत, जैसे माहे मवासात भी कहा जाता है, हमदर्दी खैर ख्वाही और दिल रखने का नाम है का, हमदर्दी की तरगीब देता है, खैर ख्वाही की तरगीब देता है। हज़रत अली करम अल्लाह वजह फरमाते हैं कि जन्नत उस शख्स की मुश्ताक रहती है जो दूसरों की मदद करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स माह रमज़ान में किसी रोज़दार की कोई मुश्किल को आसान करेगा तो अल्लाह ताला उसकी मुश्किलों में से किसी मुश्किल को आसान कर देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स माह रमज़ान में किसी के लिए आसानियां पैदा करेगा उसके लिए दुनिया और आखरत में अल्लाह ताला आसानियां पैदा फरमा देगा। और देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स माह रमज़ान में किसी रोज़दार को रोज़ा इफ्तार कराएगा तो अल्लाह उसके गुनाह माफ़ कर देगा। तो सैयद सलमान फारसी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, अगर किसी के पास इतनी इस्तताअत ना हो कि वो पेट भरकर खाना खिलाए, तो नबी करीम अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी को एक खजूर एक घूट पानी से भी रोजा अफ्तार कराएगा वो भी अजर और सवाब। क्या बात है, क्या बात है। एक ब्रेक ले रहे हैं हमारे साथ है। जी जनाब, खल्क खालिक की है और उसकी मदद करना इबादत है। बात ये हुई ब्रेक से कबल के खैर का मदार इसी में है कि अल्लाह की मखलूक को नफ़ा पहुंचाया जाए। हमारे साथ डॉक्टर इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा तशरीफ़ रखती हैं। हमारे साथ ऑन द सेट मौजूद हैं डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा, और हमारे साथ जो सना हुआ मौजूद हैं वो हैं सोबिया अंसारी। तो जनाब हम आपकी समत आएंगे और अपनी बात मुकम्मल कीजिए, तो फिर मैं डॉक्टर साहिबा से दूसरा सवाल। देखिए खिदमत खल्क का मैंने अभी मफहूम बताया। अच्छा, किसी की खिदमत करते वक्त लोग सोचते हैं कि हम उनके हज़ारों का राशन डलवाएं, हज़ारों की हेल्प करें। अल्लाह की राह में आप किसी की खिदमत करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो आप अपनी इस्तताअत के मुताबिक करें। आप एक रुपए से लेके एक करोड़ तक किसी की मदद कर सकते हैं, जैसी जिसकी माली हैसियत हो, लेकिन उसमें ईमान की सच्चाई, नीयत की सच्चाई, खुलूस की सच्चाई बहुत ज़रूरी है। कि आप अगर दे रहे हैं दिखावे के लिए दे रहे हैं, निदा आजकल हम देखते हैं कि इतने रहे, किसी को आटे की बुरी दे रहे हैं तो उसकी तस्वीर डल रही है, किसी को कुछ दिया जा रहा है, कुछ मदद की जा रही है तो फ़ोन पे बताया जा रहा है कि हमने तो उसकी मदद की। किसी की मदद करते वक्त सिर्फ आप जो भी काम करें तो अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए करें। कि डॉक्टर साहिबा आपकी शेर एक नज़र आपकी नज़र कर रही हूँ कि तुलू होता है ये कहकर हर रोज़ का सूरज, उजाले बांट देने से उजाले कम नहीं होते। आप अपनी नियत तो अच्छी रखें, अल्लाह आपके रास्ते वसी कर देगा। आप किसी की मदद तो करें, अल्लाह 10 जगह आपको कंपलसेट करेगा और आपकी राहें हमवार कर देगा। क्या बात है, बहुत आला, माशाल्लाह। आपका जो जौक है ना, और क्या सुखनवर हैं आप, माशाल्लाह, सुखन परवर हैं, माशाल्लाह। मैं आपकी इसमत आऊंगी, और मुझे ये बताइए कि ये माहे रहमत है, माहे मुबसात है, और लोगों के काम आने के हवाले से बात कर रहे हैं, इसकी अहमियत, इसकी ज़रूरत, और ये जो महंगाई का दौर है आपा, इस हवाले से आप किस तरह से हम सबको गाइड करेंगे? जी जी निदा, बात हो रही थी खिदमत खल्क के हवाले से। देखिए कायनात का निज़ाम पे बात हुई, फिर आप देखिए तो हमारी इबादात का भी सारा निज़ाम हमें उसी तरफ ले जाता है।
कि आप नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह रब इज़्ज़त ने सूरतुल माऊन में फरमाया फ़वैलुल लिल मुसल्लीन कि तबाही या हलाकत है नमाजियों के लिए, क्यों? आप उस पूरी सूरह मुबारका का मज़मून देखें तो मस्कीनों को खाना नहीं खिलाता, यतीमों को धक्के देता है, साहिल को अटेंड नहीं करता, तो अच्छा ये क्या है? घर वालों पे कुशादगी करना और दस्तखान को अपने वसी करना, इस हवाले से मुलाजमीन के हवाले से भी कलाम फरमाइए। जी दीदा, ज़रूर ज़रूर। तो मैं इबादात पे बात कर रही थी। देखिए, नमाज ने हमें मखलूक की तरफ मुतवज्जो किया, मस्जिद गए तो तब भी एक दूसरे की तरफ मुतवज्जो किया, रोज़े ने एहसास दिलाया भूख और प्यास क्या होती है, हज पे गए, सफ़र भी किया, साथ सारे साथियों का भी ख्याल रखना है आपने, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, यानी हमारी इबादत का रुख भी मखलूक की तरफ हमें लेकर जाता है। तब वो इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। कुर्ब इलाही की मंजिल जाती ही मखलूक खुदा की खिदमत के रास्ते से, वरना आप उस मंजिल तक पहुँच ही नहीं पाते। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम को फरमाने मुबारक जो आपने बात की, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूल अन रईयातिही, तुम में से हर कोई निगरान है और उससे पूछा जाएगा कि उसने अपने मातहतों के साथ किस तरह किया, कैसा सलूक किया। उसमें घर वाले भी आ जाते हैं और ख़ास तौर पर खादिम और मुलाजमीन आते हैं कि जो मुस्तहिक हैं, जिनके तरफ हमें इज्जत और तकरीम के साथ जाना चाहिए, जो हमारे यहाँ मुआशरे में ख़त्म होता चला जा रहा है। तो मैं उसे तीन पार्ट्स में देखूंगी। देखिए, एक तो है कि आपने जब उसके साथ बात करनी है तो उस बात करने का तरीका क्या होना चाहिए। मुस्कुरा कर बात करें, मीठी बात करें, उसको इज्जत दें। और अब तो रमज़ान आया हुआ है तो आप कोशिश करें कि उनके घर में राशन भिजवाएं, उनको ईद के कपड़े दें, जो आपके सारा साल आपकी खिदमत करते रहते हैं, तो एटलीस्ट रमज़ान में आकर अब उनकी केयर करना आपकी जिम्मेदारी है। वो आपकी रियाया में आते हैं और आपको ख्याल रखना है। सेकेंडली ये आता है कि आप घर के काम लेते हैं उनसे, तो उन कामों में तख़फीफ़ करें। रमज़ान से पहले तैयारी कर लें जो आपने करवानी है, जितने गैर ज़रूरी काम हैं उनको मौखर कर दें कि अभी नहीं है ज़रूरत, तो उनको खाम खा उन पर बोझ ना डालें, उनकी भी एनर्जी ज़रा बिल्कुल एग्जैक्टली उनको टाइम दें कि अगर रोज़ा रखते हैं वो तो उन्हें आराम का प्रॉपर मौका मिले। बिल्कुल बिल्कुल। और जो काम ज़रूरी हैं उनमें जितना हो सके खुद उनका साथ दें कि आज मेरा भी रोज़ा है, उसका भी रोज़ा है, तो हम दोनों मिलकर कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, एक घर की फ़जा भी बड़ी अच्छी, एक बच्चे सीखेंगे उससे कि इज्जत देनी क्या होती है। तो इस तरह से उनका ख्याल रखें। तीसरी चीज़ है कि अगर वो रोज़ा नमाज का एहतमाम नहीं करते तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें तरगीब दें कि आप नमाज पढ़ें, आप रोज़ा रखें, उनको दीन की तरफ लेकर आएँ। और ये तभी मुमकिन होगा जब हमारे अपने दिल में वो ख्वाहिश और वो आरजू होगी कि मैं भी दीन पर चलूँ और मैं अपने घर वालों को भी लेकर चलूँ। यही कामयाबी का रास्ता है। जिसने अल्लाह की बारगाह में कामयाबी पाली वही कामयाब है। ये दुनियावी कामयाबियाँ जाहो मनसब उस दिन काम नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। उस दिन मखलूक के खुदा की खिदमत काम आएगी। क्या बात है आपा, मखलूक खुदा की खिदमत के हवाले से डॉक्टर साहबा चंद जुमले इस हवाले से इरशाद फरमा दीजिए कि महंगाई के, जैसे आपसे भी हम बात कर रहे थे कि महंगाई का जो आलम है, ये जो दौर में, इस दौर में जो है वो बिलखसूस बढ़ गई है बहुत ज़्यादा महंगाई, फिर गुरबा और मसाकीन की तादाद में इजाफा ही होता चला जा रहा है आपा, तो जो मिडिल क्लास हैं वो लोअर मिडिल लेवल तक या लोअर से भी नीचे के लेवल तक पहुँच गए। क्या फरमाइए? देखिए निदा, महंगाई ने तो कमर तोड़, बिल्कुल हकीकत पसंदाना सवाल कर रही हैं। देखिए निदा, अमीर तो अपनी खुशियों में खुश होता है, गरीब हाथ फैला लेता है, लेकिन एक सफ़ेद पोश इंसान जो है किसी के आगे हाथ फैलाते हुए 10 दफ़ा वो मरता है, 10 दफ़ा वो जीता है। ज़ाहिर उसकी इज्जत नफ्स उसको मजरू करती हैगी। और जब हम गरीबों और मसाकिनों को देखते हैं और उनकी मदद करना हमारा अवलीन फ़र्ज़ है, और दीन इस्लाम ने भी हमें यही हुक्म दिया है कि गरीबों मसाकिनों यतीमों की मदद करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यतीमों मसाकिनों कमज़ोरों और नातवानों को ढूंढने में, तलाश करने में मेरी मदद करो, इनकी वजह से तुम्हें रिज़्क़ दिया जाता है और तुम्हारी मदद की जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मसाकिनों की मदद करने वाला अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले के बराबर है, और बेवाओं गरीबों की खबर गिरी करने वाला उस इबादत गुजार शख्स के मानिंद है जो रात भर शब बेदारी करता है और रोज़ा रखने से कभी नहीं थकता। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के दौर में एक सहाबी थे, वो आँखों से नाबीना थे,
जिस जगह वो नमाज पढ़ते थे निदा, उन्होंने टोकरी रख रखी थी और दरवाजे तक एक डोरी बांध रखी थी, जैसे कोई गरीब कोई मसाकीन आके यतीम दरवाजे पे आके दस्तक देता तो वो टटोल टटोल कर डोरी पकड़ते और दरवाजे तक खुद जाकर देते। तो उनके घर वालों ने कहा कि हजरत ये खिदमत तो हम भी आपकी अंजाम दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जो मसाकीन की मदद करता है तो अल्लाह और अपने हाथ से जाकर कुछ देता है तो अल्लाह ताला उसे बुरी मौत से बचाता है। देखिए हमें अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत दीन अता फरमाया है कि किसी की मदद करने पे भी हमें अजर दिया है, यतीमों के सर पर दस्ते शफकत रखने पे भी हमें अजर दिया है, मसाकिनों की खबर गिरी करने पे भी हमें अजर दिया है। तो इतना खूबसूरत महीना हम पर साए फिगन है, गरीबों का ख्याल रखें, यतीमों के सर पर दस्ते शफकत रखें, माजूर लोगों की मदद करें जिनका दुनिया में कोई सहारा नहीं है, उन लोगों के घर राशन डलवाएं। देखिए मदद छोटी सी भी आप कर सकते हैं, छोटी सी भी किसी के बुरे वक्त पर छोटा सा भी काम आकर उसके लिए बहुत ज्यादा, छोटी से छोटी नेकी को भी मामूली नहीं समझते। रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह। आपके समक्ष आएंगे कराम शामिल करें उनका मांगता जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता वो जो मंगता नहीं होने देते, ये हवाले को मांगो ताज।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जनाब, माह रमज़ान और ख़वातीन में हमारे साथ आपकी पसंदीदा स्कॉलर्स आज खिदमत खल्क की अहमियत के हवाले से बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा, डॉक्टर नाहिद अब्रार साहिबा और सोबिया अंसारी भी हमारे साथ आज हमारी इस नशरियात का हिस्सा है। आपा, मैं आपकी समझाऊंगी और एक और सवाल सवाले से मैं करना चाहूंगी कि किन बातों का लिहाज रखना ज़रूरी है जब हम बात करते हैं स्पेशली खिदमत खल्क के ताल्लुक से, क्योंकि फरीजा तो बहुत बड़ा है, अहमियत तो बहुत ज़्यादा है, फजीलत तो बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आपने और डॉक्टर साहबा ने फरमाया, तो कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ कि अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक को नफ़ा पहुँचाया जाए। शुक्रिया निदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में सूरह दहर में इरशाद फरमाया, वयुतिमून अत्ताम अला हुब्बिही। ये इसका शान नज़ूल क्या है कि अहले बैत ने तीन दिन तक खाना जो था वो एक मिस्कीन, एक यतीम और एक असीर को दे दिया। तो अल्लाह ने कुरान मजीद में जिक्र किया कि उनका ये अमल किस सबब से था, अला हुब्बिही, वो अल्लाह की मोहब्बत में सरशार थे और जब खिदमत खल्क कर रहे थे तो उनका मकसूद रज़ाए इलाही था, कुछ और नहीं था। तो ये है बुनियादी बात कि उसकी आप पिलर किस बात पे खड़ा कर रहे हैं, नीयत क्या है आपकी, सोच क्या है, बुनियाद क्या है, जड़ क्या है, तो उस बुनियाद को दुरुस्त कर दें, अगला अमल जो है वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगा। तो पहली बुनियादी बात कि हुस्न नीयत के साथ, इखलास के साथ कि मेरा मकसूद फ़कत अल्लाह की रज़ा है। फिर आप देखिए तो कुरान मजीद ही बताता है, वला तुबतिलु सदकातकुम बिलमन्न वलअज़ा, सदकात को अपनी उस माली खिदमात को ज़ाया मत करो किस चीज़ के साथ, एहसान जतला कर दूसरे को तकलीफ देते हुए। हमारे यहाँ क्या होता है कि वही जैसे उन्होंने भी बात की थी डॉक्टर साहिबा ने भी, कि जब आप किसी की मदद कर रहे होते हैं तो जी कैमरा आने दें, पब्लिसिटी के शौक रखने वाले हम उसे सोशल मीडिया पे लगाएंगे, किसी की इज्जत नफ्स का ना ख्याल है हमें, सिर्फ अपनी नमूदो नुमाई, सिर्फ रिया, सिर्फ दिखावा, ये खिदमत खल्क है ही नहीं, ये तो आप खुद गर्ज हैं, आप तो अपनी शोहरत चाह रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि वो धड़ाम से वो नीचे गिर पड़ा, वो जो अमल किया हुआ आपका सवाब का तरतुब नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, वो दुनिया में ले बिल्कुल नहीं होगा, खाली हाथ खड़े होंगे। जी एग्जैक्टली ऐसा ही है, खाली हाथ ही नहीं खड़े होंगे बल्कि आपसे पूछा जाएगा ये जो आपने अमल किया है उसके भी आपको जवाब देना पड़ेगा। फिर ये है कि आपने उस पर एहसान रख दिया और अब आप चाहते हैं कि जब आपके सामने आए झुक के आपको सलाम करें, उसका सर झुका रहे, ये क्या है, एहसान जतलाते हैं आप उसे, दूसरे लोगों में जलील करते हैं कि मैंने तो इसके घर ये किया था, ये तो इसकी कदर नहीं कर रहा। तो ये तकलीफ देना है, इसके जरिए आपका दिया हुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल ही नहीं हो रहा। फिर उस ये सोचना, ये ख्याल रखना कि वो आए और मेरी खिदमत करें, मेरे घर के काम करें, किसी गरीब को आपने दे ही दिया है तो खुदा के लिए ऐसा मत करें, जो काम किया अल्लाह की रजा के लिए किया, फिर जो काम कर रहे हैं उसमें इस्तकामत पकड़ें, साबित कदमी से उस काम को जारी रखें। छोटा सा भी अमल है ना तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसे मुदावमत के साथ रखो। मुदावमत क्या है कि दो नफल भी पढ़ते हो ना तो हमेशा उन दो नफलों को अदा करते रहो, चाहे छोटा अमल है मगर उसमें हमेशा गिरे। तो ऐसे किसी की मदद का सोचा है तो चाहे जितनी आपकी इस्तेआत है उतना करें, लेकिन साबित कदमी से करें, इस्तकामत से करें, डट के करें, अपनी नीयत और अपने उसको दुरुस्त रखें ताकि अल्लाह की बारगाह में वो कबूल हो जाए। अपने अंदर फिरौनियत ना आने दें, तकब्बुर ना आने दें, नमूदो नुमाइश निकाल दें अपने अंदर से, रिया निकाल दें, दिखलावा निकाल दें। तो इन सब चीज़ों से जब पाक हो जाएगा, नियत भी खालिस हुई, तो आपकी एक टहनी हटाना, एक कुत्ते को पानी पिलाना, एक अल्लाह की बारगाह में इतना कबूल हो जाता है कि सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। अल्लाह काश के वो मकाम आ जाए, आमीन, कि हमारी मामूली नेकी भी बारगाह परवरदिगार में मकबूल हो जाए। आपा, आपकी समझाऊंगी और इसके दीनी और दुनियावी क्या फवायद हैं, क्या समरात हैं खिदमत खल्क। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन एक पुकारने वाला पुकारेगा कि कहाँ हैं उम्मत मोहम्मदिया के फ़ुकरा जिन्होंने मेरी रज़ा के लिए किसी को एक घूंट पानी पिलाया था, एक निवाला खिलाया था, किसी की मदद की थी, इनके हाथ पकड़ो और इनको जन्नत में दाखिल कर दो। अल्लाह के नेक बंदे हुए हैं जो कहते हैं कि हम तुम्हें किसी दिखलावे के लिए नहीं खिला रहे, हम तुमसे किसी बदले की तवक्के नहीं रखते, मसाकिनों को खाना खिलाते हैं, कैदियों को खाना खिलाते हैं, मुसाफिरों को खाना खिलाते हैं, कहते हैं हम तो सिर्फ तुम्हें अल्लाह की रज़ा के लिए खिला रहे हैं। जब हम अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी को अपना मकसद बनाते हुए किसी की मदद
मदद करते हैं तो हमारी दुनिया भी संवरती है, आखरत भी संवरती है, हम अल्लाह हमसे राज़ी हो जाता है। इसलिए कि मखलूक के खुदा से मोहब्बत करना जो है अल्लाह तक पहुँचने का पसंदीदा रास्ता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी नीयत को, जैसे डॉक्टर साहिबा ने भी कहा था, अपनी नीयत को हर खोट से महफूज रखो, तुम्हारी छोटी सी नेकी भी तुम्हारे निजात का जरिया बन सकती है। तो हो सकता है छोटा सा काम, छोटी सी खिदमत हमारी दुनिया संवर जाए, हमारी आखरत संवर जाए, हमारी बख्शिश और निजात का जरिया बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा आपका, मैं सिपास गुजार हूँ डॉक्टर इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा आपकी और सोबिया अंसारी आपकी। जनाब बात यह है कि हुस्ने नीयत के साथ जायज़ उमूर या जायज़ अफ़ाल जो आप अंजाम देते हैं, हुस्ने नीयत और इखलास उन्हें मुस्तहब के दर्जे पे लाके खड़ा कर देता है। यानी अब अच्छी नीयत के साथ आप उस अमल पे सवाब का तरतुब की जो है वो जब आपने नीयत कर ली है तो आप बस ये सोच लीजिए कि अल्लाह की तरफ से आपको सवाब भी मिलेगा। बात इतनी सी है कि हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं कि मैंने तमाम आमाल खंगाले यानी उनकी तफ्तीश की और मैंने भूखों को खाना खिलाने और हुस्ने खुल्क यानी अच्छे अखलाक के साथ लोगों से पेश आना, इससे बढ़ के किसी अमल को नहीं पाया। तो हर किसी से आपने खुश दिली से बात करनी है और लोगों को खाना खिलाना है, ये बहुत बड़ी नेकी है। तो कोशिश कीजिए कि छोटे से छोटी नेकी और अमल को भी हकीर ना जाने, अल्लाह को राज़ी करने में लग जाएं। अल्लाह तबारक व तआला आपका हमारा हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सोबिया अंसारी की आवाज़ पर इख्तिताम करें। खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा, मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफा की शबी हुसैन हसन, मुस्तफा की शबी हुसैन हसन, नाम पर दे फ़कीरान शागे बतगा गए, जो फ़कीरान शागे बतगा गए, उनकी गुदड़ी में लाल रखा गए, उनकी गुदड़ी तेरा ऐ जा कमर जा